ये है जी किचन टंटा ना, यहाँ पे अब दो प्रॉब्लम्स थे। ये देख एक्सपेरिमेंट किया है, ये मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड नहीं है। टीम चल रही है आजकल जिसका न्यूज में भी वो ज्यादा चर्चा, ये क्या है द बेस्ट पार्टी विद व्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। न्यू होम न्यू प्लेस न्यू किचन एंड ओल्ड मी। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मैंने किचन सेट कर लिया है, कैसा सेट किया है वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा अभी मैंने ना फुली सेटल्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना अभी आने वाली थी। तो ये है जी किचन टंटना। अच्छा मुझे अच्छा लगता है कि ना किचन में स्पेस हो, काउंटर्स क्लियर हो, उधर ना कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें ना पड़ी हो और सब कुछ ना कैबिनेट्स में हो। लेकिन फिर भी मेरे पास जो सामान था वो मैंने सारा भी निकाल के लगा दिया ताकि मुझे आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि डबल डबल हो जाए ना तब भी बड़ा मसला हो जाता है, उनको संभालते रहो और दो दो का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो जो चीज़ें मेरे पास थी ना सबसे पहले मैंने वो सेट की हैं। ये बहुत अच्छी टिप है, आपने एकदम से शॉपिंग नहीं करनी, स्लोली स्लोली काम करें, तहमुल के साथ काम करें। सबसे पहले देख लें कि आपके पास क्या क्या है। और ये है जी फ्रिज जो बिल्कुल खाली है, बस दो तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं ग्रोसरी करने गई थी लेकिन लेट हो गई थी, मैं ना कप ग्लास ही खरीदती रह गई और बस मॉल क्लोज़ हो गया। और ये देखें जी डेकोरेशन के नाम पर किचन में अभी सिर्फ यही एक मैगनेट है जो शमीर को उसकी खाला ने गिफ्ट किया था, थाईलैंड से वो लेके आई थी, और बस ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अच्छा पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ना फटाफट ग्रोसरी कर लेती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मेरे पास ना चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और फिर जब मैंने वापस जाना होता है ना तब इतना प्रॉब्लम होता है ना कि अब इन चीज़ों का मैं क्या करूँ। तो इस बार ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बड़े तहमुल के साथ सब्र के साथ सबसे पहले जो कुछ है मेरे पास वो देखा और जो कुछ नहीं है उसकी लिस्ट बनाई है। अच्छा किचन में वॉशिंग मशीन हो तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप साथ साथ काम कर लो और साथ साथ आप ना अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हो, बिल्कुल भी थकन भी नहीं होती, किचन का काम भी ख़त्म और कपड़े भी साथ साथ वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स थे, ये देखें ये जो आपको एक ये येलो सी लाइन नज़र आ रही है, एक ये एक ही साइड पे और एक ना वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी, एक वो है। ये मैंने क्लीन करने की कोशिश किया लेकिन हुई नहीं है। अब मैं कोई सरफेस क्लीनर लेके आऊँगी जिससे मैं ना जो टाइल क्लीनर होता है उससे ये क्लीन करने की कोशिश करूँगी। और ये देखें जी ये सारे मसाले शसाले जो कुछ था मेरे पास वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। ये थी जी छोटी सी सेटिंग, इसके अलावा भी स्टैंड वगैरह आने वाले हैं जिसके ऊपर मैं चीज़ें रख लूँगी और बस साथ साथ इंशाल्लाह काम करती रहूँगी। आज मैंने इतना ही काम किया, इसके अलावा कुकिंग वगैरह की है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ना एक्चुअली मेरे फादर की है बरसी, 9 साल हो गए मेरे फादर को इस दुनिया से गए, बस उनके साले सवाब के लिए पढ़ती रही और बस ना दिल ऐसे थोड़ा उदास था तो बस इतना ही काम किया। सेटिंग तो चलें बाद में आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी, कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि कुकिंग के बगैर गुजारा नहीं है, इंसान कितनी देर बाहर से खा सकता है। और बात वही आ जाती है कि शौक और मजबूरी में फ़र्क होता है। तो मैंने कीमा मटर बनाए और साथ मैंने अपने कपड़े वगैरह वॉश किए। आटा मैं लेके आई हूँ अल बेकर्स वालों का, ये बहुत अच्छा आटा है। इससे पहले भी मैं जितनी बार यहाँ पे आई हूँ मैंने यही यूज़ किया है और सीरियसली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आप भी अच्छे आटे की तलाश में है ना तो आप अल बेकर्स का आटा यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन के साथ ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड नहीं है, एक्सपेरिमेंट मैंने ही आज फर्स्ट टाइम किया है। वैसे तो इस मशीन में ना लिक्विड चीज़ें जाती हैं, मतलब लिक्विड डिटर्जेंट सॉफ्टनर इस टाइप की चीज़ें जाती हैं, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इसमें ना आपने सर्फ पानी में मिक्स करके ये थोड़ा सा ऐड करके देखें, इससे कपड़ों में ना शाइन बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं लेके आई हूँ टाइड, इसकी भी मैंने ना बहुत तारीफें सुनी है कि बहुत अच्छा सर्फ है, वैसे भी बहुत इकोनॉमिकल है, तो लिक्विड तो जाना ही था तो साथ मैंने थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया। साथ में लेके आई हूँ पार्ले जी, इंडियन प्रोडक्ट्स ना बहुत अच्छी होती हैं, जैसे हेयर ऑयल में बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो ये जो पार्ले जी है ना ये हम अपने बचपन में ना टी वी पर ऐड देखते होते थे तो मैं सोचती होती थी कि ये कभी हम ट्राई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से तो नहीं मिलता तो यहाँ पर मैंने सोचा अब इस बार ट्राई कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ना जैसे हमारे टाइगर बिस्किट है ना जो पाकिस्तान से मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, हार्ड व्यू उसी तरह ही है और टेस्ट भी बिल्कुल ना वैसा ही है। मटर भी तकरीबन रेडी हो गया है। अच्छा फ्रेंड्स मैंने ना कुकर खोला है, मुझे आदत है मैं प्रेशर कुकर में हंडिया बनाती हूँ, तो ना इसके बिल्कुल ऊपर ना ये लगा हुआ है फायर अलार्म, तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा बेशक ये बच जाए और पता चले किसी पाकिस्तानी ने कुकिंग की है, किसी देसी ने कुकिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर का खाना हमें नसीब हो गया है। अच्छा इतनी आज मुझे खुशी हो रही थी ना घर का खाना देख के, इतनी खुशी सच्ची मुझे कभी नहीं हुई। वो कहते हैं ना जब चीज़ नहीं होती तभी उसकी कदर होती है, तो बस आज मुझे घर के खाने की शदीद किस्म की कदर हो गई है। और यहाँ पे मेरे कपड़े शपड़े भी बिल्कुल वॉश हो गए हैं और रोटियाँ शोटियाँ मैंने बनानी शुरू कर दी हैं। काम ख़त्म हो जाए ना फिर आराम से बैठ के तसल्ली से खाना खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये तवा भी नया है और ना आटा भी बिल्कुल अभी मैंने गूंदा था, तो बस इसी तरह की रोटियाँ बनी लेकिन अच्छी बन गई हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आटा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, जो भी फैमिलीज पाकिस्तान से दुबई मूव होती हैं वो आँखें बंद करके अल बेकर्स का आटा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चक्की आटा बिल्कुल फ्रेश मज़ेदार आटा है। और फ्रेंड्स हमारे घर में ना गैस ऐसी है इसलिए वो सिलेंडर नहीं लगाना पड़ता, सिलेंडर से मुझे बहुत डर लगता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे घर गैस है। और जी मज़ेदार सा खाना भी बिल्कुल रहती है, घर की रोटी और कीमा मटर का सालन,
रूम्स और कबर्ड अभी मेरी सेट होने वाली है, हैंगर्स वगैरह आने वाले हैं, कपड़े शपड़े मैंने निकाल के साइड पे कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, शामीर के विकास के मेरे तय भी कर लिए हैं, लेकिन अभी वो आ जाए हैंगर तो मैं सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुझसे इंस्टाग्राम पे भी, दो तीन कल मैसेजेस आए और कुछ भाई पूछ रहे थे, तो चलें विकास से पूछते हैं उसका आंसर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और बस अब मैं मज़े मज़े के होम व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये जो स्कीम चल रही है आजकल, जिसका न्यूज़ में भी वो ज़्यादा चर्चा है, ये क्या है? इस स्कीम का नाम है एमनेस्टी स्कीम, इसकी एक दुबई गवर्नमेंट की तरफ से है, और इसमें ये है कि आपके अगर कोई भी ओवरस्टे है, किसी के ऊपर फाइन है, कुछ भी है, मतलब कोई बंदे इलीगल रह रहे हैं, वो अपना मतलब या तो अपने मुल्क वापस चले जाएँ, और या फिर इधर अगर रहना तो वो लीगली रहें, अपना वीज़ा ले के रहें। लेकिन मतलब एमनेस्टी स्कीम का मतलब इन शॉर्ट ये है कि उनके ऊपर कोई भी फाइन हो गए, वो जितने मर्जी लंबे अरसे से रह रहे हैं ना इधर, तो वो उनके फाइंस वगैरह टोटली माफ़ हो जाएंगे। एमनेस्टी का मतलब ये है कि नो फाइंस, नथिंग, नो लाइबिलिटीज़। अगर आप वापस जाना चाहते हैं फिर भी आप चले जाओ, अगर आप इधर रहना चाहते हो इधर भी रहो, लेकिन लीगल स्टेटस के साथ। ये भी बताएं फाइन कितनी देर में माफ हो जाएगा? टोटल 6 मिनट में। 6 मिनट्स में आपका फाइन माफ हो जाएगा। दुबई इज लव, दुबई गवर्नमेंट इज लव, दुबई इज लव। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये इन्होंने किया है कि जितने भी फाइन हैं बंदों के, इतने इतने देर से लेकर रह रहे हैं, सारे फाइन माफ, सब कुछ क्लियर, हर चीज़ मतलब जो है ना माशाल्लाह, नाइस, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे बेझिझक इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। रेडी शेडी मैं हो गई हूँ, मैंने जाना है मेरी बाजी की तरफ, मेरी नंद के घर। जब से हम आए हैं हम उनसे नहीं मिले, तो बस अब घर शायद थोड़ा सा सेट हो गया था, मामला रूटीन भी आ गए थे, तो सोचा आज उन्हें मिल आते हैं। वैसे भी मेरे पापा की बरसी है तो साथ इकट्ठे बैठ के दुआ वगैरह करेंगे। ये गिफ्ट शामिर लेके आया था अपने कज़न के लिए, बस वो हम लोगों ने पैक चेक कर लिए हैं। इतना ज़्यादा शामिर एक्साइटेड है ना, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो मेरी फ्रॉक है ना, इसके साथ ये इस तरह की ये गोल्डन बेल्ट थी, ये बेल्ट गुम गई थी, और ये फ्रॉक मैं जब से वेयर कर रही हूँ इसी तरह वेयर कर लेती हूँ बगैर बेल्ट के, लेकिन आज मुझे ये मिल गई तो मैंने सोचा ये लगा लेती हूँ। ये कैसी लग रही है आपने मुझे बताना है कॉमेंट्स में। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे एकदम से ना न्यू लुक आ गया था इस गोल्ड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन ने ना, सीरियसली इसको पूरे आउटफिट को एक न्यू लुक दे दी थी। चलते हैं बाजी की तरफ, सुबह से वो बेचारी वेट कर रही हैं, दो तीन फोन आ चुके हैं उनके, मेरे तो काम ही नहीं खत्म हो रहे थे सीरियसली। शिफ्टिंग करना, सेटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली स्लोली हो रहा है। ये टिप्स मेरी सब होम मेकर्स के लिए है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से तहमुल तहमुल से सेटिंग करें, एक अपना डे इस तरह सेलेक्ट कर लें और सोच लें कि बस इस दिन में मैंने ये काम लाजमी करने ही करने हैं, इतना काम मैंने आज फिनिश करना ही करना है। मैंने भी सेटिंग कर ली है, अभी मेरे रूम सेट होने वाले रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कर लूँगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। अभी तो यकीन करें हमारे घर टीवी भी नहीं है, टीवी भी लेने वाला है, और बस सारा कुछ साथ साथ इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखें अभी हम कितना लेट हम घर से निकले हैं, फिर भी आप रोड्स पर रश देखें कितना ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज़ है, लेकिन यूएई का ना वेदर बहुत अच्छा होता जा रहा है, डे बाई डे बेहतरी आती जा रही है। अगर आपने विज़िट करना है यूएई तो बस आपने ना 15 सितंबर के बाद की अपनी टिकट्स बुक करें और विज़िट करें, सीरियसली आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बहुत मज़े का ना, बहुत ज़बरदस्त प्लेजेंट किस्म का वेदर आपको देखने को मिलेगा। जब भी मैं इस तरह ट्रैवल करती हूँ ना तो मेरी बार बार नज़र मीटर पर जाती है, पता नहीं क्यों, आपकी भी जाती है लेडीज़, आपने मुझे कमेंट्स में बताया, लेकिन मैं बार बार ऐसे मीटर देखती रहती हूँ, मीटर देखती रहती हूँ कितने पैसे बन गए, और दिल ना ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा होता है जैसे जैसे बिल ज़्यादा बनता जाता है। तो शामिर मुझसे डिस्कस कर रहा है कि मैंने अपने कज़न के साथ ये गेम खेलनी है, ऐसे करना है वैसे करना है, बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, बस इंजॉयमेंट से सारा इनका ताल्लुक होता है। खैर ये बाजी की तरफ हम पहुँच गए हैं, इस एरिया में हम ना कुछ देर रहे भी हैं और इस बिल्डिंग में भी जाहिर आते जाते रहे हैं। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग अगर देखे हों तो बहुत ना ऐसे अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे आके। वैसे भी पाकिस्तान में एक दूसरे को मिलें या ना मिलें, लेकिन आउट ऑफ कंट्री रिलेटिव्स को मिलें, सीरियसली बहुत खुशी होती है जब आप किसी अपने रिलेटिव को आउट ऑफ कंट्री में मिलते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखें, बस खुश रहें। बाजी ने हमारे लिए बनाया हुआ था हमारा फेवरेट फूड अचारी चिकन हांडी, सीरियसली बहुत मज़े का बना हुआ था, और वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता था कि हम खाना, घर का खाना कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनने घर में ही खाना बनाया, रोटी भी घर में बनाई, सीरियसली हमें बड़ा मज़ा आया। इकट्ठे बैठे बैठे बातें करते करते कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला, शाम तकरीबन हो गई है, और बस बच्चों ने भी आपस में इंजॉय कर लिया, हमने भी बैठ के पाकिस्तान को भी याद किया और 6 मंथ्स की सारी पेंडिंग बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। घर वापस आने आने में हम लोगों को बिल्कुल रात हो गई थी, 12 बज गए थे, ये हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी वो की, शामिर को एक
तो आए गिफ्ट करना था, वो किया, शामिर को इतना कुछ लेके दिया, शामिर फिर भी खुश नहीं था क्योंकि उसके पास कोई टॉय नहीं था। तो बस शामिर को शामिर की पसंद का एक टॉय लेके दिया। इसको इसी टाइप की चीज़ें, रिवॉर्ड शिवॉर्ड, इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और मेरा एक खालाजाद कज़न हमारा वेट कर रहा है, पिछले आधे घंटे से हमारे घर में है बेचारा और हमारा वेट कर रहा है, और हम लोग बस निकलते निकलते फिर से लेट हो गए। आज तो सारा दिन हमारा इसी तरह ही गुजर गया, बिजी बिजी बिजी। रिश्ते ना बड़े प्यारे होते हैं, ये मेरा कज़न है, बस हम लोग मिल के खाना साथ इंजॉय कर रहे हैं। अभी टेबल शेबल नहीं है इसलिए काफ़ी देसी स्टाइल में नीचे हम लोगों ने बिछाया हुआ है और उसके ऊपर खाना रखा हुआ है और इंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आ जाएंगी, वक्त के साथ साथ सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। अच्छा, इतना अच्छा लगता है ना जब कोई आपको मिलने आता है या आप किसी अपने को मिलने जाते हो, सीरियसली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। शामिर भी बहुत इंजॉय कर रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि अब सारा दिन के थके हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हुआ। एट द एंड मैंने किचन क्लियर किया, चाय शाय बनाई, एंड द बेस्ट पार्ट, टी विद व्यू। मेरे साथ साथ आप लोग भी इस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मुझे इतने मज़े के कमेंट्स आ रहे थे ना, आप भी टी विद व्यू तो कर दें, आप भी टी विद व्यू, आप भी टी विद व्यू, लें जी टी विद व्यू हो गया। और मैंने फुल डे अपनी बिजी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मुझे दोनों में याद रखिएगा। आप भी खुश रहें, आबाद रहें। लाइफ में ना ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शुक्र और एक सब्र। ये दोनों चीज़ें अगर आपने मजबूती से पकड़ ली ना, सीरियसली आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जो कुछ है उस पर शुक्र करें और जो कुछ नहीं है उस पर सब्र करना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।